साथियों नमस्कार दोस्तों, मैं अवर राठौर। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन अवर राठौर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं हम आपको। और देखिए देखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा। और ये स्पेशल वीडियो होने वाला है बिहार पुलिस के लिए। तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है और एक बार आप जरूर चेक करके चॉइस सेंटर में अपना फॉर्म डलवा लीजिए दोस्तों। जितने भी 18 साल के कैंडिडेट हैं, 12वीं पास हैं, उनके लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 10वीं 12वीं पास है वो लोग अभी तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो फिजिकल एग्जाम का डेट है वो आगे बढ़ चुका है। और सबसे अति इम्पोर्टेंट बात कि आज 12 जुलाई और 12 जुलाई से फॉर्म डलने स्टार्टिंग हो चुका है दोस्तों। वैकेंसी 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, कहने का मतलब दोस्तों पूरा 6250 वैकेंसी है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि कोई स्टेट में 50 वैकेंसी भी यदि पुलिस विभाग में आ जाए तो बंदे पूरे जीव जान लगा देते हैं कि भर्ती आई तो कम से कम और हमको इसमें से एक पोस्ट पाना, पूरे जीव जान लगा देते हैं। तो दोस्तों बिहार पुलिस वालों के लिए कहने का मतलब बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है। और अति इम्पोर्टेंट है जो बिहार के कैंडिडेट है, जो महिला है, पुरुष है, कहने का मतलब अभी 18 प्लस हुए ईयर्स में, जो मेहनत कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अति इम्पोर्टेंट कहने मतलब एकदम खास तरह की ये तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो एकदम कहने मतलब खास तरह की तैयारी करें और इस वैकेंसी में अपना बलिदान यानी कहने मतलब एक जान लगा दीजिए दोस्तों, और इस वैकेंसी को हथिया लीजिए, क्योंकि ये आपकी ही वैकेंसी है। बिहार पुलिस में 6250 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों, बिहार कांस्टेबल के लिए। देखिए निरीक्षक की भी पोस्ट है, उप निरीक्षक की भी पोस्ट है, कहने मतलब बिहार पुलिस में 6250 की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें 10वीं 12वीं पास आपका योग्यता मांगा जाएगा, इसमें फिजिकल होगा, एग्जाम होगा और आपका मेडिकल होगा दोस्तों, जिसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा और मेरिट लिस्ट के बाद आपकी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद आपका पासिंग आउट परेड हो जाएगा, उसके बाद आपकी ड्यूटी तैनाती कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार के कैंडिडेटों के लिए, जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि बिहार पुलिस की वैकेंसी कब है कब है कब है। वैसे अभी देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी कॉन्स्टेबलों की पति 2018 की बात करें तो लास्ट 2017-18 में आए थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में अभी तक की छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती नहीं आया। कहने मतलब यदि बिहार और छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की हम यदि बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इन सभी राज्यों में अलग अलग अंतर है। कहने मतलब दोस्तों यूपी की बात करें तो यूपी में जब चुनाव की लहर आया तो दोस्तों इतनी वैकेंसी आएगी 25,000 अलग अलग पुलिस विभाग में। कहने मतलब प्लाटून कमांडर, सूबेदार मेजर और जेल वार्डर, यानी कहने को मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार में 20,000 से प्लस पोस्ट आई यूपी में। यूपी की यदि हम पुलिस वैकेंसी की बात करें तो एकदम शानदार थी। वैसे कुछ अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों बिहार में, तो बिहार की जो इस बार वैकेंसी है 6250 वैकेंसी बिहार पुलिस वालों के लिए, तो ये भी एकदम शानदार है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी भी मध्य प्रदेश SI का चल रहा था, उसके बाद सिपाही की भी वैकेंसी कॉन्स्टेबल की। और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में आपका 975 पद पुलिस विभाग में यदि देखने को बोला जाए तो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में सिर्फ SI की आई थी, उसके बाद यदि हम कॉन्स्टेबल की बात करें तो अभी तक कॉन्स्टेबल की भर्ती नहीं आई है। तो सबसे शानदार हम आपको बात बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस वालों के लिए। अब दोस्तों इसमें कि हम यदि प्रक्रिया की बात करें तो सिंपल सी, आपका दोस्तों जिन कैंडिडेटों का आधार कार्ड नहीं बना तो आधार कार्ड बनवा लीजिए। और एक नंबर मस्त कहने का मतलब, जो फोटो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो चिपकाओगे आप, वही फोटो आपके पूरे क्वालिफिकेशन होने तक का कहने का मतलब ये सब फोटो एक ही रखे, क्योंकि दोस्तों बाद में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, एक टाइप का फोटो रहता है। तो और अपना जो भी सर्टिफिकेट है बिहार पुलिस से रिलेटेड, यदि आपका कमेंट आएगा कि बिहार पुलिस में कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं फॉर्म डलवाने हैं, तो एग्जाम सेंटर से लेकर फिजिकल सेंटर तक का, तो हम आपको बता देंगे। आपके ऊपर है, आपके कमेंट जितना ज़्यादा आएगा बिहार पुलिस से रिलेटेड, कहने का मतलब डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम से रिलेटेड, तो हम बता देंगे दोस्तों। और कहने का मतलब जो है ये बिहार पुलिस की वैकेंसी तो ये आ चुकी है, आप बेफिक्र डालिए दोस्तों। 10वीं 12वीं पास इसमें योग्यता मांगा जा रही थी, 12वीं पास अच्छे परसेंट के साथ भी हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, इसमें डाल सकते हो। और यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो बिहार पुलिस में ज़रूर डालिए, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस भी एक अच्छा खासा आपके मुजफ्फरपुर और आपके पटना ऐसे मेन सिटी में आपको तैनाती का मौका दिया जाएगा,
बहुत ही अच्छा है वीडियो है, तो आप जरूर बिहार पुलिस में इस बार फॉर्म डाल दीजिए, आपका बहुत ही शानदार तैयारी रहेगा। और लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों बिहार पुलिस वालों के लिए, क्या मतलब बिहार पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे एकदम सिंपल सा आसान क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिहार की शोक नदी कौन सी है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन रहेगा आपका यमुना, गंगा, कोसी और महानदी। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा। जय बने रहे।